सामने का एवरीवन, मोस्टली आप में से जो है वो बहुत सारे लोगों को ये इश्यूज जो है वो देखने को मिल रहा है अमेज़न पे, क्या मैं डिपॉजिट मेथड किस तरह से जो है वो सेट करें। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका यही कहना है कि सर हमें बताएं कि हम डिपॉजिट मेथड को कैसे जो है वो सेट करें, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके एंड पे जो है वो ये इशू आ रहा है। सो दैट्स व्हाई मैंने प्लान किया है कि मैं बजाय इसके कि मैं अकेले अकेले बंदे को जो है डिपॉजिट मेथड जो है वो सिखाऊँ, जैसे कि बहुत सारे और लोग भी के पास ये इशू आ रहा होगा, तो हम एक वीडियो बना लेते हैं कि आपको जो है वो अपने डिपॉजिट मेथड को जो है वो कैसे सेट करना है। पाकिस्तान में जो है वो दो अकाउंट्स इसके लिए जो है वो काम करते हैं। देखिए, अगर आप अमेज़न पे डिपॉजिट मेथड लगाएंगे तो आपके पास यूएस का अकाउंट होना जरूरी है। क्यों? कि यूएस या यूएसडी में रिसीविंग अकाउंट होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तानी बैंक को अभी जो है वो अमेज़न सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो पैसे रिटर्न जरूर कर देते हैं, सेंडिंग में अभी वो जो है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। सो वो जल्दी जो है वो पाकिस्तानी बैंक को भी लिस्ट में ले आएंगे। खैर, जब आप पाकिस्तान पे जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन आती है हाइपर वॉलेट की। या तो आप हाइपर वॉलेट पे जाके अपना अकाउंट बनाएं और उसको अटैच कर दें। सेकंड ऑप्शन जो सबसे बेहतरीन है, दैट इज पेयरीर। क्या पेयरीर का अकाउंट बनाएं एक अच्छा सा, जाके उसको जो है वो अटैच कर दें। उसके लिए कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है कि आप पेयरीर पे जो है वो ये चीज नहीं लगा सकते, या इस तरह से नहीं जा सकते, या ऐसे नहीं जा सकते। कोई भी लिमिटेशन नहीं है एड जो है वो अमेजोन एड कि आप कौन से पेयरीर अकाउंट के साथ जाएंगे या कौन से अकाउंट के साथ नहीं जाएंगे। तो आप इजीली जो है वो जा सकते हैं पेयरीर अकाउंट के साथ। अभी आज हम जो सेटअप करेंगे वो पेयरीर अकाउंट के थ्रू ही है। सो हम लोग जो है वो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और जो है वो देखते हैं कि इशू किस तरह से आ रहा होता है हमें, और हम उसको जो है वो सॉर्ट आउट करेंगे। जैसा कि ये अकाउंट आप देखेंगे तो अमेजोन जो है वो यहाँ पे दे रहा है हमें डिपॉजिट मेथड। जब आप नया अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो उस पर आपको जो है वो इस तरह का इशू दे रहा होता है कि डिपॉजिट मेथड जो है ये इस तरह का इशू आपके सामने भी आ रहा होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि सिंपली जो है इस इशू को, और इसके साथ मोस्टली लोगों के पास आता है टैक्स का। टैक्स वाले पे मैं इंशाल्लाह अलग से एक वीडियो जो है वो आप लोगों को बना दूंगा कि टैक्स वाले इशू को जो है वो आपने कैसे सेटअप करना है। क्या डिपॉजिट मेथड के लिए आपको यहाँ पे जो है वो जब आप क्लिक करते हैं जो है वो ऐड या अपडेट डिपॉजिट मेथड, तो वो तीन मार्केट प्लेसेस देता है। हमने जाना है .com के साथ। .com जो मार्केट है ये बेसिकली हमारी जो अमेजोन मार्केट है यूएस की वो है। इसको असाइन पे हमने क्लिक किया। जैसे आपने असाइन पे क्लिक किया तो इस तरह का जो है वो इंटरफेस आपके पास सामने आ जाएगा। क्या आपने जो है वो मार्केट प्लेस आपको दे देगा, नीचे बैंक बता देगा और नीचे वो सारी इंफॉर्मेशन। अब अगर हम यूनाइटेड स्टेट के अलावा पाकिस्तान पे जाते हैं, यहाँ से हम यहाँ से जो है तो पाकिस्तान को ये देखें, इसमें है पाकिस्तान। पाकिस्तान को अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो पाकिस्तान से वो सिर्फ एक ही ऑप्शन को जो है वो सपोर्ट करता है, दैट इज हाइपर वॉलेट। ये देख रहे हैं, तो हाइपर वॉलेट पे वो कह रहा है साइन अप फॉर हाइपर वॉलेट। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको नई टैब में ओपन करके हाइपर वॉलेट पे ले जाएगा। ठीक है, आप अमेजोन के साथ यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं और सिंपली उसको जो है वो अटैच कर लेंगे। ये कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपकी, वो इन्फॉर्मेशन इसको प्रोवाइड करे या आपको अकाउंट दे देगा। लेकिन अगर आप जो है वो आते हैं यूएस में, पाकिस्तान में तो ये सिर्फ एक ऑप्शन देगा आपको। अगर आते हैं हम यहाँ से इन यूनाइटेड स्टेट पे, क्या हमारी बैंक लोकेशन जो है वो इसको आप क्लिक करते हैं और यहाँ से जो है वो हम आते हैं, ये हमने क्लिक किया इसको, हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं और ये है जी हमारे पास यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट को जैसे आपने क्लिक किया तो आपके पास ये ऑप्शन आएगी। याद रखें, अगर आपके पास यूके में कंपनी है, एलटीडी जिसको बोलते हैं, तो तब भी आप इस पर यहीं पे जो है वो यूके की कंपनी का जो है डिटेल लिखेंगे यूके सेलेक्ट करके। तो अकाउंट होल्डर नेम, जिसके नेम पे भी वो अकाउंट है व्हाटसोएवर या राइट हो, जिस बंदे के नाम पे बैंक अकाउंट है, वो आप किसी का भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास अपना है तो बेहतरीन है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है जी, तो अकाउंट होल्डर नेम आपने यहाँ पे ऐड करना है। राउटिंग नंबर होता है एक 9 digits का, वो ऐड करना है। फिर बैंक अकाउंट नंबर होता है, और देन अगेन बैंक अकाउंट को दोबारा करके आप डिफॉल्ट को सिलेक्ट करके प्रोसेस कर देंगे। अब हम देखते हैं हमें ये बैंक अकाउंट मिलेगा कैसे। अब जब पेयरीर के साथ अपना अकाउंट बना लेंगे तो दो जगहों पे जो है वो हमें देगा। एक तो गेट पेड में जाएंगे तो आपके पास ये रिसीविंग अकाउंट्स दे रहा है। ठीक है, इसको क्लिक करें, आपके पास ये तीन अकाउंट्स जो है वो यहाँ पे दे देगा। तीन अकाउंट्स जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है जी, पहला अकाउंट जो है आपको यूके का है, दूसरा यूएसए का है। आप जो है वो अदर अकाउंट करेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया का भी मिलेगा, और भी यूरोपियन जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के अकाउंट्स मिलेंगे। मोस्टली
यूरोपियन अकाउंट्स के साथ जितना भी है वो यूके ही यूज होता है। खैर अगर आपको यूएसए यूज करते हैं तो आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, मोस्टली अगर आपके पास गेट पेड में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप जा सकते हैं बैंक एंड कार्ड्स। बैंक एंड कार्ड्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी आपके पे नहीं रख कार्ड्स हैं अकाउंट के साथ अटैच वो आ जाएंगे। बैंक जो है वो विड्रॉल के लिए जो आपका अटैच है, रिसिपियंट बैंक अकाउंट्स और रिसीविंग अकाउंट। रिसीविंग अकाउंट पे अगेन हम क्लिक करेंगे तो सेम ऑप्शन हमारे पास जो है वो आ जाएंगी जो ऑप्शन हमारे पास पहले भी थी। ठीक है जी, यही ऑप्शन। अगेन हम यहाँ पे यूएस पे क्लिक करेंगे, व्यू डिटेल्स पे जाते हैं। व्यू डिटेल्स पे जाते हैं तो यहाँ से ये पढ़ ले अच्छे तरीके से, वो कह रहा है कि पर्सनल बैंक अकाउंट से पेमेंट्स नहीं होंगी, वो डिक्लाइन करेंगे आपकी। ठीक है जी, दैट्स व्हाई पर्सनल बैंक अकाउंट से आपको इसमें पेमेंट सेंड करने की जरूरत नहीं है, पहले ये एक्सेप्ट करता था, अब ये डिक्लाइन कर देते हैं। ठीक है, फिर वो कहता है कि अगर जो है वो पेमेंट जो है वो आपके सेम नेम वाले बैंक से बनाई गई होगी तो भी आपको डिक्लाइन कर देगा, इसलिए ये भी आप क्लियर कर ले, और वायर ट्रांसफर एक्सेप्ट नहीं करता। ये दो जो है वो ऑप्शन है, बेहतरीन है, यही हमें चाहिए, यही अमेज़न आपकी जो है वो एक्सेप्ट करता है। अभी क्या है कि थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये पूरी बैंक डिटेल्स है। अगेन बता रहा हूँ ये पूरी की पूरी बैंक डिटेल्स हैं जो सेम रहती हैं, कभी नहीं जाती। सबसे पहले जो है वो अकाउंट होल्डर नेम जो हमें वहां पे दे रहा था, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और फिर हम जाते हैं अमेज़न अकाउंट पे और यहाँ पे जो है वो अकाउंट होल्डर नेम हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। देन जो है वो 9 digits राउटिंग नंबर, जब आप अपने अकाउंट पे जाते हैं तो आपको जो है ये एक अकाउंट और एक राउटिंग नंबर मिलता है, तो राउटिंग नंबर को हमने कॉपी किया यहाँ से और फिर आया अमेज़न पे और आके हमने यहाँ पे राउटिंग नंबर को पेस्ट कर दिया। फिर इससे नीचे जाते हैं, दैट इज बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर भी आपको यहाँ पे आते हैं तो ये अकाउंट नंबर देता है, इस अकाउंट नंबर को आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और जो है वो पेस्ट कर देंगे, ये आपने जो है वो पेस्ट कर दिया। अगेन जो है वो कहता है रीटाइप अकाउंट नंबर, अगेन आपने अकाउंट नंबर को जो है वो आपने टाइप कर दिया, दैट्स इट। इसके अलावा वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा कि किस तरह से है किस तरह से नहीं है, आप डिफॉल्ट करना चाहिए इसको डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेट डिपॉजिट मेथड कर दें तो ये डिफॉल्ट डिपॉजिट मेथड तो नहीं होगा, लेकिन डिपॉजिट मेथड जरूर जो है वो ऐड हो जाएगा। अभी ये देखें डिपॉजिट मेथड हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, ये जी आपने आपका जो है वो इसने डिपॉजिट मेथड कर दिया ऐड। अब हम अमेज़न पे जाते हैं तो अगेन हम देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास अगर जो है वो इशू आ रहा है तो ये कुछ देर के बाद जो है वो आपके पास खत्म हो जाएगा, ये कुछ देर लेगा आपके डिपॉजिट मेथड को जो है वो सेट करने में, उसके बाद जो है वो ये हम दोबारा आके देखेंगे इसको तो ये खत्म हो जाएगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं समझ आई हो तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जो है वो कॉमेंट करके इसको पूछ सकते हैं और सेटल डाउन करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और देखते रहें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो लाजमी आपने देखनी क्योंकि मैं आपको उसमें बताऊंगा आपने हाइपर वॉलेट कैसे आप लोगों के सामने, हम लोग उसको साइन अप करेंगे फिर उसको जो है वो अमेज़न के साथ अटैच भी करेंगे सेम तरीके के साथ। ठीक है जी, आप बहुत सारा ख्याल रखिए फिर।